बाराबंकी जनपद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा करने पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री अनिल राजभर ने बाढ़ पीड़ितों को राहत बांटी और बाढ़ से बचने के लिए स्थायी समाधान की बात कही। मंत्री ने बताया कि इस बार समय से पूर्व ही बाढ़ आ गई है, लेकिन हमारी सक्रियता से बहुत ज़्यादा असर नहीं दिखा पाई। आगे अगर और बाढ़ आती है तो उस स्थिति के लिए भी हम लोग तैयार हैं। जनपदों में जो बाढ़ की समस्या है उससे संबंधित और बाढ़ प्रभावित इलाकों में जो राहत कार्य चल रहे हैं की है कि अभी पिछले बार का अगर हम लोग अनुभव लें तो 15 अगस्त के बाद पानी ज़्यादा आया था और इस वर्ष ये मुख्यमंत्री जी के सक्रियता का ही परिणाम है। हमने कोरोना काल में भी देखा है परिस्थिति चाहे जैसी रही हो लेकिन बाढ़ से जुड़ी हुई समस्याओं के संदर्भ में कोई सप्ताह ऐसा बाकी नहीं रहा होगा जब श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर उसकी चिंता न की गई हो, उसकी समीक्षा न की गई हो। उसका असर आज देखने को मिल रहा है कि अब तक इस इलाके में पिछले वर्ष की अपेक्षा दूना पानी नदियों में आया है। हम कह सकते हैं कि आज कहीं भी कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जो हमारे कंट्रोल के बाहर है। सारी चीज़ें कंट्रोल में हैं, सब कुछ व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रहा है। आगे इसी तरीके से आज के आने के पीछे जो हम सब लोगों का कारण है वो यही है कि अभी हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, सजगता बरती जा रही है। तटबंधों की 24 घंटा पेट्रोलिंग हो इसकी चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जिला प्रशासन को उसके निर्देश दिए गए हैं और बाढ़ प्रभावित इलाकों में विशेष तौर पर बच्चों का, बुजुर्गों का और माँ बहनों का, उनका ख्याल रखा जाए। प्रभावित इलाकों में COVID-19 से जुड़ी हुई जो सुरक्षा के इंतजाम हैं, जो सजगता है उसको भी पूरी तरीके से बरता जाए। ये इन्हीं तमाम बातों को लेकर आज समीक्षा हुई है। आगे की परिस्थिति के लिए भी हम लोग तैयार हैं, जैसे पिछले वर्ष 15 अगस्त के बाद पानी आया, आगे अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती भी है तो उसके लिए पूरा प्रशासन, पूरी सरकार सजग है, तैयार है। मंत्री जी, रामनगर में जनपद में 3 तहसीलें हैं जो पूरी तरह से बाढ़ से डिस्टर्ब हैं और वहाँ के लोगों का आरोप है कि अधिकारी बंधे तक आते हैं और जहाँ पे बाढ़ है वहाँ नहीं जाते गांव में, क्या वहाँ पे कैसे कार्य होगा? अभी बाराबंकी जनपदों में 193 नावों का संचालन हो रहा है। बाढ़ हर साल आती है और मुझे फक्र है, गर्व है इस बात का कि योगी जी की सरकार ने मजबूती के साथ इस समस्या के अस्थाई समाधान की तरफ कदम बढ़ा दिया है। आगे आगे आने वाले दिनों में आज मैं कहना चाहता हूं, अभी गोंडा के अंदर बांध प्रभावित होता है, रिसाव होता है, टूटन होता है, लेकिन हम लोगों को गर्व है, माननीय मुख्यमंत्री जी के सक्रियता का परिणाम है कि मात्र 12 घंटे के अंदर रिंग बांध एक नया बनाकर और बस्तियों में पानी जाने से रोका जाता है। अभी आजमगढ़ के अंदर एक नेता का बयान आज छपा है अखबारों में, आजमगढ़ की चिंता कर रहे हैं। हमारी सरकार, माननीय योगी जी की सरकार, आजमगढ़ की भी चिंता कर रही है, साथ में पूरे उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल की भी चिंता कर रही है। मात्र 24 घंटा के अंदर 60 मीटर के कटान को वहां मौके पर जिला प्रशासन, हमारे जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक के देखरेख में तटबंध की मरम्मत होती है और 24 घंटे के अंदर तटबंध को जोड़ दिया जाता है और प्रभावित इलाकों में जो जन की और धन की हानि होती है उसकी भी हम भरपाई करने का काम करते हैं। मऊ के अंदर 60 मीटर का कटान होता है और मात्र 14 घंटे के अंदर पूरा प्रशासन मिलकर उस कटान को रोकने का काम करता है, उसको जोड़ने का काम करता है। ये सक्रियता का परिणाम है। मंत्री जी, हर साल बाढ़ आती है, तमाम लॉस होता है, प्रशासन का तमाम खर्च होता है, एक परमानेंट व्यवस्था क्यों नहीं बनती कि बंधे के साथ उनको स्थापित कर दिया जाए? नहीं, जिला प्रशासन की तरफ से आपके जनपद में इस तरह की समस्या है, संबंधित हमारे जो माननीय विधायक जी हैं, विशेष तौर पे सांसद जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी भी हैं और माननीय मंत्री हमारे साथ ओलख जी भी आए हुए हैं जो जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री हैं, हमारे जल शक्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव वेंकटेश जी भी आए हुए हैं। इस तरह का प्रस्ताव जनपद से गया हुआ है
और निश्चित तौर पर उस पर गंभीरता से विचार हो रहा है। भविष्य में इस तरह की समस्या का सामना हम लोगों को न करना पड़े, उसको पूरी तरीके से हम लोग देख रहे हैं। मंत्री जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, कोरोना के पेशेंट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रशंसा दुनिया में हो।